हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियन एफएफ एक्सप्लेन। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वांगशियन फैन फिक्शन माय हॉट प्रोफेसर इज माय क्रश के पार्ट वन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे आशियान, क्या तुमने वो एक्साइटिंग न्यूज़ सुना है? वी वुशियान, जो अपने ही ख्यालों में बिजी थे और पोएम रीड कर उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी उसे एक फेमिलर वॉयस सुनाई देता है। विंग बॉय सुनते ही जल्दी से बुक क्लोज कर पीछे मुड़ता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कोई उसके पर्सनल चीज़ को देखे और उस चीज़ को रीड करे। विंग बनी स्माइल शो करके कहता है, वेनिंग, तुम किस एक्साइटिंग न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हो? कॉलेज में एवरीडे कुछ ना कुछ होता रहता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन निंग इतने एक्साइटेड होकर ये बात बोल रहा था, इसलिए विंग उसका मन रखने के लिए सेम एक्साइटिंग टोन में उसे ये सवाल करता है, जबकि उसके फेस से साफ साफ पता चल रहा है उसे न्यूज़ जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वेनिंग एक्साइटिंग टोन में कहता है, हमारे जो केमिस्ट्री प्रोफेसर है ना, मिस्टर जियांग, उनका अचानक से एक्सीडेंट हो गया है। विंग अननोइंगली कहता है, वेनिंग, तुम्हें सच में और कोई काम नहीं है? तुम इसे एक्साइटिंग न्यूज़ कहते हो? बेचारा प्रोफेसर का एक्सीडेंट हो गया है और तुम हो कि ये न्यूज़ पहले से ही मुझे पता है? वेनिंग कहता है, आशियान, पहले पूरी बात तो सुन लो। प्रोफेसर जियांग का एक्सीडेंट होने का कारण वो अभी हमें लेक्चर नहीं दे पाएगा, इसलिए उनके जगह आज से एक न्यू प्रोफेसर आने वाला है। और मैंने सुना है न्यू प्रोफेसर बहुत हॉट और गुड लुकिंग एंड हैंडसम भी है, लेकिन थोड़ा कम बात करता है, आइस जैसा कोल्ड बिहेवियर है उनका। आपसे न्यू प्रोफेसर हमें यार ख़त्म होने तक लेक्चर देंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। विंग वेनिंग के तरफ बिना कोई ध्यान दिए पेपर से पेपर मैन बनाते हुए कहता है, वेनिंग, मैं फिर से वही बात बोलना चाहता हूँ, इसमें एक्साइटिंग वाली कौन सी बात है? वेनिंग चिरकर कहता है, डमी, तुमने शायद सुना नहीं है, प्रोफेसर हॉट और हैंडसम है। विंग कहता है, निंग, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे लिए लड़कियों की लाइन लगी हुई है। विंग और वेनिंग एक दूसरे के साथ बात कर ही रहा था, तभी होल क्लास अचानक से शांत हो जाता है, जैसे किसी का डेथ हो गया हो। फुट स्टेप की साउंड हमारी क्लास की नज़दीकी आ रहा था, सब दरवाजे की ओर ही देखने लगता है। तभी एक यंग, हॉट और हैंडसम सा बंदा हमारे क्लास के अंदर एंटर किया। उसका चेहरा बहुत ही आर्टिस्टिक है और उसके मैनली बॉडी और परफेक्ट हाइट, जो बहुत ही आसानी से किसी को भी अपने ओर अट्रैक्ट करने की पावर रखता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। विंग उसके ऊपर से अपने आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। उसके फेस पर लगा हुआ माइक्रोफोन मेरा सारा ध्यान उसके पिंक लिप्स के तरफ ही खींच रहा था। विंग वेनिंग के नज़दीक आकर धीरे से कहता है, निंग, वो प्रोफेसर कैसे हो सकता है? वो इसके लिए अभी बहुत ज़्यादा यंग है। सब आपस में बात करने लगता है। जो क्लास थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा शांत था, अब अचानक न्यू प्रोफेसर के एंट्री होते ही गर्म हो गया था। तभी न्यू केमिस्ट्री प्रोफेसर कोल्ड टोन में कहता है, क्या तुम लोगों को किसी ने मैनर्स नहीं सिखाया है? क्या तुम सब अपने क्लास में प्रोफेसर के वेलकम इस तरह से करते हो? क्या तुम लोगों को पता नहीं है प्रोफेसर क्लास में एंटर होते ही उन्हें सिर झुकाकर कैसे ग्रीट किया जाता है? वो अपने बात बोलने के लिए बहुत ही कम शब्द का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उनका बोलने का तरीका और कोल्डनेस उनको और भी ज़्यादा इंटिमिडेटिंग बना रहा था। सब न्यू प्रोफेसर के डर से शांत हो जाता है। विंग न्यू प्रोफेसर की ब्यूटी और हैंडसमनेस से मैस्मराइज्ड हो जाता है और विदाउट ब्लिंकिंग बस प्रोफेसर को ही घूरने में खो जाता है। विंग उसे देखने में इतना खो गया था कि उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कब प्रोफेसर चलकर उसके नज़दीक आ गए है। उसे इस बात का तब एहसास हुआ जब प्रोफेसर लान वांगजी अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ विंग को घूरते हुए अपने कोल्ड टोन में कहता है, स्टैंड अप। वांगजी के कोल्ड वॉयस सुनकर विंग अपने ख्यालों से बाहर आया और
उसने अपने आसपास देखा, होल क्लास यहाँ तक वैनिंग भी खड़े थे और सब सिर झुकाकर न्यू प्रोफेसर लान को ग्रीट कर रहे थे। एक विंग ही एक लौता इंसान था जो अपने सीट पर बैठा हुआ था और शेमलेसली होल क्लास के सामने वांग जी को घूर रहे थे। वांग जी के वर्ड सुनकर विंग तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और मन ही मन कहता है, वी वुशियान, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वो जिस तरह से मुझे अपनी तिरछी नज़रों से घूर रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। शायद मुझसे बहुत ज़्यादा गलती हो गई है। फिर उसने सबको बैठने के लिए इशारा किया। सब अपने अपने सीट पर बैठ जाता है और ऐसा पहली बार था जब सब बिल्कुल शांत होकर बैठे थे। होल क्लास में सन्नाटा सा गया था जो आमतौर पर बहुत लाउड और नॉइजी क्लास हुआ करता था। विंग मन ही मन कहता है, वो सच में बहुत डेंजरस है और इंटिमिडेटिंग भी। अब वांग जी खुद को क्लास में इंट्रोड्यूस करता है, हाय एवरीवन, मैं आपके न्यू प्रोफेसर लान वांग जी हूँ और आज से मैं आप सबको केमिस्ट्री सिखाने वाला हूँ। उम्मीद है आप लोग इन सब में मेरे साथ पूरी तरह से कॉर्पोरेट करेंगे और ये आपके खुद के भलाई के लिए ही है। अगर किसी ने भी रूल्स ब्रेक किया और होमवर्क और एग्ज़ाम पेपर में एफ ग्रेड लेकर आया तो उसे मैं दोबारा क्लास में एंट्री लेने नहीं दूंगा। इज दैट क्लियर? वांग जी फिर से अपने रेगुलर कोल्ड टोन में पूछता है, सो क्लास के हेड कौन है? विंग प्राउडली अपना हाथ ऊपर करता है। वांग जी कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ विंग की तरफ देखते हुए डीप वॉइस में पूछता है, व्हाट्स योर नेम? विंग कॉन्फिडेंटली कहता है, मैं वी वुशियान हूँ, लेकिन आप मुझे प्यार से विंग भी कहकर बुला सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लान वांग जी धीमी आवाज़ में कहता है, शेमलेस। वांग जी कहता है, ठीक है, तो आज से तुम मेरे असिस्टेंट स्टूडेंट हो, वो भी पूरे साल भर के लिए। और तुम्हें पता है ना असिस्टेंट स्टूडेंट का क्या काम होता है? विंग वांग जी के बात पर नोट करता है। वांग जी अगेन वॉक करते हुए कहने लगता है, एवरीडे क्लास ख़त्म होने के बाद तुम मुझसे मेरे कैबिन में आकर मिलोगे, मुझे पेपर वर्क कंप्लीट करने में और उसे अरेंज करने में हेल्प करोगे। वांग जी बात करते हुए अचानक रुक जाता है। विंग को उसके बातों पर कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बस इंटेंसली वांग जी के मैनली बॉडी स्ट्रक्चर और एवरी बॉडी मूवमेंट को देख रहा था। वांग जी बेंच पर हाथ रखकर विंग के हाथ से पेन छीन लेता है जिसे वो खेल रहा था और वांग जी को शेमलेसली घूर रहा था। वांग जी कहता है, अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। विंग कहता है, सॉरी प्रोफेसर लैन। वांग जी कहता है, अभी अभी मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा है तुम समझ गए हो? एनी डाउट? विंग कहता है, नो प्रोफेसर लान, कॉलेज में फर्स्ट डे था इसलिए वांग जी कुछ लाइट टॉपिक पर डिस्कस करके क्लास ख़त्म कर दिया। विंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट एंड कॉलेज के पॉपुलर बैड बॉय है। विंग एक वेल नोन और अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन उसके पेरेंट्स ज़्यादातर बिजनेस के कामों को लेकर बिजी रहता है जिस कारण उनके पास समय नहीं होता है विंग को देने के लिए। विंग बचपन से ही नैनीज के देखभाल में बड़ा हुआ है। विंग के मॉम डैड उसे टाइम नहीं दे पाता है और उन्हें इस बात का रिग्रेट भी है कहीं ना कहीं, इसलिए उसके पेरेंट्स हमेशा उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है और उसका हर डिमांड पूरा करता है चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ऐसा करके वो लोग विंग को ए जताने की कोशिश करता है कि वो लोग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। विंग के पास सब कुछ है लेकिन अपने मॉम डैड के लव और केयर नहीं है। विंग अपने रिच लाइफ स्टाइल से कम्प्लीटली स्पॉयल किड बन चुका था, एक कम्प्लीट ब्रैट बन चुका था जो हमेशा किसी ना किसी से फाइट करता रहता है और अक्सर क्लास मिस करके अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब और पब में जाकर इंजॉय कर अपने डैड के पैसों से ऐश करता है। विंग के इस बिहेवियर से कॉलेज मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट था क्योंकि विंग के फादर इस कॉलेज का स्पॉन्सर है
जो हर साल इस कॉलेज के लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी डोनेट करता है। कॉलेज प्रिंसिपल में विंग के बिहेवियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। अब जबकि कॉलेज में न्यू प्रोफेसर की एंट्री हुई है और प्रिंसिपल ने खुद अपने आँखों से देखा है, प्रोफेसर लहन के सामने विंग बिल्कुल भी शांत था। इसलिए प्रिंसिपल वांग जी को उनके कैबिन में उनसे मिलने के लिए बुलाकर उसके हाथ में विंग के केस हिस्ट्री देकर उसे रीड करने के लिए कहता है। वांग जी इसे रीड करने के बाद प्रिंसिपल के तरफ क्वेश्चनिंग लुक से देखता है। प्रिंसिपल वांग जी को सब एक्सप्लेन करता है और उनका प्रॉब्लम भी शेयर करता है। अब नेक्स्ट डे वांग जी एग्जैक्ट टाइम पर क्लास में एंटर किया। सभी स्टूडेंट पहले से ही अपने सीट पर बैठे हुए थे और बिल्कुल शांत थे। वांग जी को देखकर सब खड़े होकर उसे ग्रीट करता है। वांग जी सबको बैठने के लिए इशारा करता है। वांग जी नोटिस करता है विंग क्लास में एब्सेंस था। 10 मिनट हो चुका था वांग जी को क्लास में एंटर किए। उसके बाद विंग क्लास में विदाउट परमिशन एंटर करता है। वांग जी कहता है, रुको, तुम पूरे 10 मिनट 5 सेकंड लेट हो क्लास के लिए, जाओ और बाहर जाकर खड़े हो जाओ। विंग कहता है, सॉरी प्रोफेसर लान, ट्रैफिक्स के कारण लेट हो गया आने में, आज के लिए माफ़ कर दीजिए, कल से लेट नहीं होगा। वांग जी कहता है, झूठ, ये आज का 3rd पीरियड है, राइट? आप 2 में भी नहीं थी, आपको तो 8 बजे ही कॉलेज में होना चाहिए था। झूठ बोलने वालों से मुझे सख्त नफरत है, जाओ और बाहर जाकर खड़े हो जाओ, वो भी अपने कान पकड़कर। विंग क्लास के बाहर कान पकड़कर खड़े हो जाता है। क्लास ख़त्म होने के बाद वांग जी बाहर आकर विंग को अपने साथ चलने के लिए कहता है। ओके गाइस, तो फर्स्ट पार्ट मैं यही एंड करती हूँ। आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर भी कर देना और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।